नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तुम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉम्पिटेटिव फार्मा में। एग्जिट एग्जाम के लिए प्रीवियसली भी इस तरह का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए, उस पर वीडियो बनाया था। आज के इस क्लास में हम एमसीक्यू सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे ये पूरा एमसीक्यू रहेगा, इंस्टाग्राम पे भी रहेगा, तो वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब। देखिए बेसिक भी जो एमसीक्यू है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक के बेसिक बनाएंगे। आज फार्मास्यूटिकल वीडियो क्या है फर्स्ट, आज से हम स्टार्ट करें, तो ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। तो देखिए आपको आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इन आयुर्वेदा द गॉड ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा को गॉड ऑफ मेडिसिन कहा गया है। क्या आयुर्वेदा में गॉड ऑफ मेडिसिन किसको कहा गया है? चार ऑप्शन है, विष्णु, धन्वंतरी, हिपोक्रेट्स। आंसर फास्ट कमेंट कीजिए, या वीडियो को पॉज करके भी आप क्या कर कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत बार आपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के वहां पे भी उनका फोटो देखा होगा, ठीक है, या फिर आयुर्वेदिक जो बुक्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी उनकी तस्वीर होते हैं, या फिर आपने डिटेल पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। एग्जिट एग्जाम के लिए हम यहाँ पे हैं, तो क्या है करेक्ट आंसर? धन्वंतरी इज कॉल्ड एज ए गॉड ऑफ मेडिसिन इन द आयुर्वेदा में, धन्वंतरी गॉड ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन, इट इज द वर्ल्ड वाइड, इट इज द वर्ल्ड वाइड बताया है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? चरक, गैलन, डायस्कोरेट्स, हिपोक्रेट्स, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। बेसिक जो आपके फार्मास्यूटिक्स का पहला टॉपिक है, तो उसके ऊपर क्या है डिपेंडेंट, ये बेसिक एमसीक्यू है। फर्स्ट टॉपिक फार्मेसी प्रोफेशन जो है आपका, क्या है फादर ऑफ मेडिसिन को यहाँ पे, तो हिपोक्रेट्स इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ मेडिसिन, एंड चरक इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ मेडिसिन, या इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन, आप इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन, महर्षि चरक को कहा जाता है इंडियन फादर ऑफ। गैलन को क्या है कहा जाता है? फर्स्ट फार्मासिस्ट, फर्स्ट, यही शॉर्ट नोट्स आप बना के रखिए, आपको एग्जिट एग्जाम में काम आएगा ये सब चीजें इसका ही। नेक्स्ट है, फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया स्टार्टेड इन, कहाँ पे जगह पे पहला एशिया का फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट हुआ था? आपको आंसर क्या करना, नेपाल, गोवा, मुंबई, जापान। एशिया का पहला फार्मेसी कॉलेज कहाँ पे स्टार्ट किया है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया, आंसर कमेंट करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर क्या होगा आपका, तो आंसर है आपका गोवा। पोर्तुगीज ने 1842 में, ये पोर्तुगीज का वहां पे राज्य था गोवा पे, तो 1842 में पोर्तुगीज ने क्या किया था, गोवा में फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज एशिया का स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, क्या में फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन को कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आर्यन चोपड़ा, एम एल श्रॉफ, HW हनी, इसी रे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, तो आपके जो थ्योरी है उस पे डिपेंडेंट है। कुछ भी क्वेश्चंस यूट्यूब पे बहुत जगह पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन रिलेवेंट टू द सिलेबस ही होने चाहिए और उस लेवल पे ही होने चाहिए। एकदम जीपैट या फिर बहुत बड़ी लेवल के एमसीक्यू एग्जिट एग्जाम को काम में आने वाले नहीं है, ठीक है। वहां पे ओवरऑल वो नॉलेज आपका टेस्ट करने वाले है। तो क्या है यहाँ पे आंसर क्या होगा फिर, यहाँ है आंसर कॉल्ड एज ए फादर ऑफ फार्मेसी, ये आर्यन चोपड़ा को कहा जाता है इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, इंडियन इंडियन फादर ऑफ, कर्नल थे आर्मी में, इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी को कहा जाता है। इसी रे, बंगाल केमिकल जो फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत की जो थी वो कोलकाता में पीसी रे इन्होंने इस्टेब्लिश की। HW हनी, ये अलग नाम है, ये क्वालिफाइड पर्सन है। यहाँ पे आंसर क्या हमारा, एम एल श्रॉफ, उन्होंने
बीएचयू, वहाँ पे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी कोर्स स्टार्ट किया था, दैट्स व्हाई फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन या उनको कहा जाता है। फर्स्ट क्वालिफाइड पर्सन रिकॉग्नाइज एज अ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट इन इंडिया में पहला रिकॉग्नाइज है और क्वालिफाइड पर्सन कौन सा है फर्स्ट भारत का, तो क्या कहा जाता है फर्स्ट क्वालिफाइड पर्सन रिकॉग्नाइज एज ए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, आर्यन चोपड़ा, पीसी रे, एच डब्ल्यू हनी, मुरली देवी। तो आपको आंसर क्या करना है, कमेंट करना है फटाफट या वीडियो पॉज करके कर सकते। ये जो चीजें यहाँ पे मैं एमसीक्यू के साथ बता रहा हूँ वो भी नोट डाउन कीजिए, वो ओवरऑल बेसिक टॉपिक आपका कवर हो जाता है। इस सीरीज वगैरह ये सब भी चीजें हमारी चालू है। तो आंसर क्या है यहाँ पे एच डब्ल्यू को 18 रिकग्नाइज किया गया और एज अ क्वालिफाइड पर्सन इनको कहा गया, बनाया गया वो क्वालिफाइड पर्सन, नॉट द फार्मेसी कोर्स अंडर द पीसी। नीचे दिए गए कोर्स दिए हैं आपको, तो फार्मेसी कोर्स ये पीसीआई के अंडर नहीं है, कोर्स फार्मेसी का पीसीआई के अंडर नहीं है। या पीसीआई के अंडर कौन सा कोर्स नहीं है, तो बी फार्मेसी कोर्स है, फार्मेसी है, फार्म डी कोर्स है, एम फार्म कोर्स, ये सब पीसीआई रिकॉग्नाइज कोर्सेस है। बाकी जो सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह है वो पीसीआई के अंडर नहीं आते, ऐसे सर्टिफिकेट नहीं, फुल टाइम कोर्स ही पीसीआई के अंडर आता है। तो सर्टिफिकेट कोर्स या बाकी के कोर्स ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह ये सब देते हैं, लेकिन वो रजिस्टर फार्मासिस्ट होते हैं, कोर्स है फार्मासिस्ट वहां पे बनते हैं। और मिनिमम कोर्स टू एंट्री एज अ रजिस्टर फार्मासिस्ट है, फार्मेसी है जो मिनिमम कोर्स, वहां पे हम एज अ फार्मासिस्ट एंट्री कर सकते हैं। पिक अप द रॉन्ग, यहाँ पे ऐसे देखा है रॉन्ग बताया है या राइट, फ्रॉम द फॉलोइंग यहाँ पे दिए है फार्माकोपिया के एडिशंस और उसके ईयर दिए है, जैसे रॉन्ग कौन से है आपको क्या करना है फटाफट कमेंट करना है। फर्स्ट एडिशन आया है 1955 को, एडिशन आया है 1960 यहाँ पे, थर्ड है 1985, फोर्थ है 1996। तो आपको क्या करना है कमेंट करना है, ऑप्शन है कमेंट कीजिए फास्ट। टोटल जो एडिशन है हमारे नाइन नाइन्थ अब तक के एडिशंस है, यहाँ पे रॉन्ग क्या है, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, 96। ये जो 1960 है ये नहीं है, ये नाइन जो है इज द करेक्ट, ओके 1966 जो है करेक्ट है। देन बाद में फिर फिफ्थ एडिशन आया है 2007 में, 5 नंबर का एडिशन हमारा आया है, हमारा 6 नंबर का जो एडिशन फार्माकोपिया का वो आया है 2010 को। देन हमारा 7 नंबर ऑफ एडिशन जो है फार्माकोपिया का वो आया है 2014 को। देन हमारा 8th नंबर ऑफ एडिशन 2018 को, एंड 9th नंबर ऑफ एडिशन 2022 को। ये सब क्या है अलग अलग एडिशन है, यहाँ पे रॉन्ग आंसर रॉन्ग था 90 बताया था ना 66। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जो भी नॉलेज है वो परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी। इन इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, और पहली भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है, ठीक है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है। तो एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा, डेविज लैबोरेटरी, इनमें से कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो पहली है। तो पहली इंडिया की इंडिजिनस जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो कौन सी, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल थी जो पी से उन्होंने कोलकाता में क्या किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने सैंपल आपको एक
10 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। तो इससे क्या होता है, आप जो भी पढ़ाई करते हो, जो भी आपके नोट्स है, नोट्स से क्या कर सकते हो आप, बेसिक आपका परफेक्ट कर सकते हो, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमारा हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा जो ऐप है, आपका जो ऐप है क्लेश सर ऐप, काय करायचं आपल्याला डाउनलोड करायचं आहे आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायचं आहे। थँक्यू।